गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्टेडियम में मशहूर भोजपुरी एक्टर अक्षरा सिंह एवं स्मिता सिंह राजपूत आज आई। चाहते हैं कि किसी अच्छे कलाकार हमारे सामने हमारे आगे आए। तो आप कलाकारों को सम्माना दे रहे हैं, यानी बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनको हिम्मत दे रहे हैं कि आप भी आओ और उनके कॉम्पिटिशन में आप भी उनसे आगे आओ। अभी हम मार्च में जो प्रोग्राम कराने जा रहे हैं वो सपना चौधरी का प्रोग्राम होगा और पवन सिंह और बहुत तरह प्रोग्राम होगा, बड़ा स्तर का प्रोग्राम होगा जिसकी तैयारी हम लोग जो है अभी से करना शुरू कर। अरे भाई उसे कॉन्फ्रेंस जूस रूम में होता तो सही रहता। नोएडा स्टेडियम में मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने सभी नोएडा वासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कहा कि मैं नोएडा में आने के बाद बहुत खुश हूं और नोएडा वासियों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, उनका आभार व्यक्त करती हूं। उसके बाद अक्षरा सिंह ने सेट पर आई और उन्होंने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस किया, दर्शकों को बहुत ही आनंद आया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बड़े अभिनेता आए हैं उस प्रकार के दर्शक नहीं थे, दर्शकों की मात्रा में काफी कमी थी और बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। देखिए रिपोर्ट। पहले भी आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे जी और ये दूसरी बार है, बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी जो है इसके पहले नोएडा महासंग्राम हुआ यहीं पे, तो बिहार से कुछ और कलाकार आए, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ बिहार जो है वो हावी हो रहा है एक तरीके से? देखिए इस विषय पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जगह है ऑल ओवर इंडिया वो सब अपनी जगह है, चाहे वो बिहार यूपी कहीं भी जाके बसे हों, मुझे लगता है हर एक जगह पे उतना ही हक हमारा है। नहीं जैसे अभी आप बिहार सुशासन बाबू नीतीश की बात करें, उसके बाद वहाँ की अपेक्षा और यहाँ नोएडा की अपेक्षा कैसा लग रहा है आपको? वहाँ बिहार से यहाँ में जहाँ जगह बिहार में करती है अपना प्रोग्राम करती है वहाँ करती है, यहाँ सुरक्षा आपको कैसा लग रहा सुरक्षा में कहीं चूक? जी यहाँ पे भी उतनी सुरक्षित महसूस कर रही हूँ मैं और मुझे लगता है मैं बिहार में भी जाती हूँ। मैं नोएडा के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग